विच इज द बेस्ट सेक्स पोजिशन टू कंसीव फास्ट? क्या कोई ऐसा सेक्स पोजिशन है जिससे कि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं? अगर है तो डिटेल में जानेंगे। जब कपल 6 मंथ 1 ईयर के बाद ट्राई करते करते थक जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तब वो नेट पे, इंटरनेट पे बहुत सारी पोजिशन को ट्राई करते हैं, खोजते हैं कि कौन सा सेक्स पोजिशन बेस्ट रहेगा जिसमें जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। लोगों से पूछते हैं, कभी कभी डॉक्टर से भी पूछते हैं, काफ़ी क्वेश्चन क्वायरी उनके मन में आती ही रहती है। तो क्यों ना आज इस टॉपिक पे हम खुल के बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुमन और आज मैं बात करने वाली हूँ, डॉक्टर प्रेगनेंसी के लिए कौन सा सेक्स पोजिशन अच्छा रहेगा, किस पोजिशन में जल्दी भी कंसीव हो जाती है। डॉक्टर से पूछते हैं कौन सा पोजिशन अपनाना चाहिए। बहुत सारी क्वेरीज मन में रहती है, आज इस टॉपिक पे खुल के बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो सबसे पहले जानते हैं 2-3 छोटे मोटे रूल जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला, आपको अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख लेना चाहिए, उसमें ओवरी, यूट्रस, अदरवाइज फ्लोपिंग ट्यूब सब कुछ नॉर्मल है तो आप प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव होगी। पीरियड आपकी समय पे आ रही है, आगे पीछे डेट ऊपर नीचे नहीं होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ रही है। उसके बाद आपके सीमेन एनालिसिस, हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है तो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे। कौन से वाले डे पे ट्राई करना है आपको? सबसे पहला पीरियड को डे 1 मानना है। नेक्स्ट मंथ में जो पीरियड आ रहा है फिर वो डे 1 है, तो इस डे 1 से लेकर के आपके नेक्स्ट वाले पीरियड के बीच की साइकिल को आपको देखना है। वो अगर 30 दिनों का तो 15वां दिन आपका ओवुलेशन होगा, आपको ओवुलेशन से 3 दिन पहले और ओवुलेशन के 1 दिन बाद तक आपको ट्राई करना है, यानी कि टोटल 5 डेज आपको ट्राई करने हैं। इस 5 डेज में कौन सा पोजीशन पे आप ट्राई करेंगी, कौन सा पोजीशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस पे हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको 3-4-5 सेक्स पोजीशन बताते हैं जिसपे इंडियन लोग ज़्यादातर सेक्स करते हैं, यानी कि 4-5 कोई ऐसे कॉमन पोजीशन है जिसपे अक्सर लोग ही इंडियन में। कुछ कॉमन सेक्स पोजीशन के बारे में अगर बात करूँ तो मिशनरी पोजीशन सबसे कॉमन यूज होने वाला पोजीशन है। इसमें फीमेल पार्टनर नीचे बेड पे रहती है और मेल पार्टनर ऊपर साइड से रहते हैं। इसमें फीमेल पार्टनर लेटी रहती हैं और मेल पार्टनर जो है एक्टिव होते हैं और वही सेक्स को परफॉर्म करते हैं। ये पोजीशन भी सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन की बात करूँ तो साइड टू साइड पोजीशन, इसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों ही बेड पे लेटे रहते हैं। अब चाहे वो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, जिस भी साइड वो कंफर्टेबल फील करे, इसमें परफॉर्म मेल पार्टनर को करना पड़ता है। फीमेल पार्टनर सामने से होती है और मेल पार्टनर पीछे होते हैं और इसमें मेल पार्टनर ही परफॉर्म करते हैं। एक और सबसे अच्छा और कॉमन यूज होने वाला सेक्स पोजीशन जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है वो है डॉगी स्टाइल पोजीशन। डॉगी स्टाइल पोजीशन इंडियन में काफ़ी कॉमन है। इसमें भी डीप पेनिटेशन होता है, इसमें हस्बैंड या मेल पार्टनर एक्टिव होते हैं, वो किसी एक जगह जैसे कि पर्टिकुलर पार्ट जैसे बेड के साइड में वो खड़े हो जाते हैं और फीमेल पार्टनर को बेड के ऊपर हाथ से और घुटनों के बल लेटना होता है। उसके बाद वो जब डीप पेनिटेशन करते हैं, इजाकुलेशन के वक्त बहुत ज़्यादा स्पर्म सीमेन वाइजिना में जाके डिपॉजिट होता है। ये पोजीशन भी सबसे बेस्ट पोजीशन है। एक और सबसे अच्छा पोजीशन है काउ गर्ल पोजीशन। इसमें हस्बैंड बेड के ऊपर लेटे होते हैं और फीमेल पार्टनर यानी कि वाइफ जो है वो बेड के ऊपर होती है, फेस दोनों का सामने सामने होता है और इसमें इजैकुलेशन को, इसमें सेक्स को फीमेल पार्टनर परफॉर्म करती है और उसके बाद ये सबसे अच्छा पोजीशन माना जाता है। एक और पोजीशन है इसी में रिवर्स काउगल पोजीशन। इसमें सेम टू सेम इसी पोजीशन में फीमेल जो है मेल पार्टनर के अपोजिट साइड से यानी कि सामने की तरफ ना होकर के वो
पैरों की तरफ फेस होता है उनका, यानी कि मेल के पैरों की तरफ उनका फेस होता है और फीमेल साइड, फीमेल पार्टनर जो है वो अपोजिट साइड में होती है। तो ये पोजीशन भी सबसे बेस्ट पोजीशन है। अब बात करते हैं कि किसी भी पोजीशन में कोई भी एंगल से अगर आपका पेनिट्रेशन सबसे डीप हो रहा है, यानी कि वजीना में सबसे डीप जा रहा है, तो वो पोजीशन आपके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन रहेगा। यानी कि किसी भी पोजीशन में आप सेक्स करें, मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर को कंफर्टेबल होना चाहिए और सेक्स सबसे डीप जाना चाहिए, तो वही पोजीशन सबसे बेस्ट रहता है बेबी को कंसीव होने के लिए, चाहे वो डॉगी स्टाइल पोजीशन हो या साइड टू साइड पोजीशन हो या काउगल पोजीशन हो या मिशनरी पोजीशन हो, किसी भी पोजीशन में हो आपको कंफर्टेबल और डीप पेनिट्रेशन। ये थे कुछ खास सेक्स पोजीशन, इम्पॉर्टेंट और खास सेक्स पोजीशन। यूज एनी सेक्स पोजीशन विच इज कंफर्टेबल हैविंग डीप पेनिट्रेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीप पेनिट्रेशन। जिस भी पोजीशन में यूट्रस के बाहर आपका सीमेन डिपॉजिट हो जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा डीप अंदर जाए, वही पोजीशन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और एक दो अगर मैं खास बात की चर्चा करूँ तो कोई भी ऐसा सेक्स पोजीशन नहीं है पार्टिकुलर, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं हुआ कि इस वाले पोजीशन में आप करेंगे सेक्स तो ही जाके आपको बच्चा होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप किसी भी पोजीशन में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वही पोजीशन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप फर्टाइल डेज में ट्राई करें, यानी कि अपने फर्टाइल विंडो को ही ध्यान रखें, उसमें ही ट्राई करें। वो 5 दिन में आप रेगुलर ट्राई कर सकते हैं, अल्टरनेट डे पे भी ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, ट्राई करने के बाद अगर आपके मन में ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि आप कितनी देर तक लेते रहे, तो ये मैटर नहीं रखता। आप अगर अच्छी, यानी कि कोई भी पोजीशन हो वो सबसे ज़्यादा डीप अंदर जा रहा है, उसमें सीमेन सबसे ज़्यादा डीप सर्विक्स के बाहर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, वही पोजीशन सबसे अच्छा है। अब उसके बाद आप अगर 10 से 15 मिनट भी लेटे तो इनफ है। इसके बाद सीमेन ट्रैवल करके ऊपर जा चुका है, वेस्ट मटेरियल बाहर आते हैं, 70-20% केस में ऐसा ही होता है। आप उसके बाद वॉशरूम जा सकते हैं, आपको लेटे नहीं रहना है बहुत देर तक, अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है। आई होप मैं आपको बता पाई हूँ कि सेक्स के लिए सबसे अच्छा पोजीशन कौन सा है और आप लोग मेरी बात समझ पाए हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए आई होप आप लोग सब मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।